हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल किचन। दोस्तों, आज है वर्ल्ड फेमस वाटर राइस डे, जिसको उड़ीसा में बोलते हैं विश्व प्रसिद्ध पखाड़ दिवस। दोस्तों, वर्ल्ड फेमस वाटर राइस डे में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बना के देने वाला हूँ वाटर राइस, पानी वाला भात, जिसको उड़िया में बोलते हैं पखाल भात। दोस्तों, अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो आप ये पखाल भात ज़रूर ट्राई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये पखाल भात ट्राई करते हो तो आपका नींद का समस्या जो है वो दूर हो जाएगा। यकीन के साथ मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, ये जो वाटर राइस है दोस्तों, ये क्या होता है, जब हम रात को भात खाते हैं, रात को चावल खाने के बाद जो चावल बच जाता है उसको हम पानी में भिगो के रखते हैं और उसको सुबह खाते हैं। आप चाहो तो फ्रेश चावल को भी बना सकते हो दोस्तों। फ्रेश चावल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चावल बनाने के बाद उसको दही में भिगो कर रखना पड़ेगा, चाहे ठंडी वाला दही हो तो अच्छा है, अगर दही नॉर्मल है तो आप उसमें से बर्फ़ का टुकड़ा डाल सकते हो दोस्तों। दोस्तों, ये है वाटर राइस बनाने का प्रोसीजर। आइए, मैं आज आपको लेके चलता हूँ मेरा किचन में, कैसे बनाता हूँ मैं वाटर राइस आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आइए देखते हैं। दोस्तों, इधर मैंने भात को दही में भिगो के लिया है, करीब 2-3 घंटा हो गया। मैंने फ्रेश चावल को लिया, इसलिए चावल गर्म था, तो इसलिए मेरे को इसको ठंडी वाला दही में भिगो कर रखना पड़ा। दोस्तों, यह अगर ठंडी रहेगा तो खाने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। दोस्तों, इधर इसको बनाने के लिए मैंने कुछ धनिया का पत्ता लिया है, 2 ग्रीन चिल्ली लिया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है। दोस्तों, एक नींबू का टुकड़ा लिया है, कुछ पुदीना का पत्ता लिया है। दोस्तों, अब इसको बनाने के लिए मैंने इधर कुछ एक्स्ट्रा दही को रखा था दोस्तों, दही को पानी में डाल के उसको पानी वाला बना के रखा था दोस्तों। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर इसको डाल देंगे, धनिया का पत्ता को डाल देंगे, ये जो पुदीना का पत्ता है उसको भी डाल देंगे दोस्तों। इसको डाल के ज़रा नॉर्मल ऐसे कूट लेंगे, क्या होगा, ऐसे कूटने से उसका जो फ्लेवर है वो फ्लेवर आ जाएगा बाहर, और उसको हम खाने के लिए अच्छा भी लगेगा और उसका स्मेल खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, इसको मैंने पीस लिया। अब क्या करते हैं, नींबू का जो रस लिया था, टुकड़ा लिया था, उसको हम दही में पूरा डाल देते हैं। दोस्तों, जो ब्लैक सॉल्ट को हमने लिया था वो ब्लैक सॉल्ट को भी डाल देते हैं। दोस्तों, अब इसमें से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों, जो ब्लैक सॉल्ट डाला वो ब्लैक सॉल्ट सिर्फ फ्लेवर के लिए रहता है, उसमें से ज़्यादा नमक नहीं रहता है, तो इसलिए हमको नॉर्मल नमक भी डालना पड़ता है। अब दोस्तों, ये जो दही का जो पानी है इसको हम इधर जो पीस के लिया है इसके अंदर डालेंगे। इसको डाल के दोस्तों अच्छे से मिला लेंगे, ताकि ये जो फ्लेवर है पुदीना धनिया और मिर्ची का जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिल जाएगा। ये मिलाने के बाद दोस्तों इसको डायरेक्ट हम चावल में डालेंगे और डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। दोस्तों, आप चाहो तो इस पर बर्फ़ भी डाल सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है तो आप चाहो तो इस पर बर्फ़ डाल सकते हो। दोस्तों, इसको ऐसा मिला के दोस्तों करीब 1-2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, इसका फ्लेवर जो है अच्छे से मिल जाना चाहिए, तब खाने के लिए मज़ा आएगा। दोस्तों, 2 घंटे के बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। आज का दिन भी स्पेशल, आइटम भी स्पेशल, ये करीब 1-2 घंटा हो गया है दोस्तों, अब हम खाने का शुरू करते हैं। दोस्तों, खाने के लिए साइड आइटम में से कुछ स्पेशल आइटम मैंने लिया है, क्योंकि ये आज का स्पेशल दिन है। तो इधर मैंने बड़ी का चूरा लिया है, ये मच्छी का फ्राई है, ये कुछ ककड़ी, प्याज, ग्रीन चिली। दोस्तों, ये चिकन का फ्राई है। दोस्तों, ये जो भी साइड आइटम्स मैंने लिया है ये सबका वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रा देख लीजिए। आइए, अब हम उसको शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, फिर से आपको वर्ल्ड फेमस वाटर राइस डे यानी पखाल दिवस का आप सबको हार्दिक अभिनंदन यानी शुभकामनाएं दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरा आइटम आपको अच्छा लगा तो उसको आप घर पे ज़रूर बनाइए और उसको ज़रूर बना के खाइए। मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों, कैसे लगा मेरा ये आइटम, कैसे बना आपका आइटम, क्या गड़बड़ हुआ, क्या सही हुआ, कुछ हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। इतना अच्छा आइटम खाने के बाद दोस्तों एक फ्री का लाइक मेरे को दीजिए दोस्तों, एक फ्री का सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि वो भी फ्री का है दोस्तों।
जब आपको मैं इतना महंगा आइटम दे रहा हूँ तो आप मेरे को थोड़ा सा फ्री में प्यार देने में क्या दिक्कत है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइए, और मैंने जैसे जैसे बनाया उसको आप पूरा का पूरा वीडियो देख के उसको वैसे ही बनाइए और खाइए। अब मिलते हैं अगले आइटम के साथ, तब तक रहते, थैंक यू दोस्तों।